भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया। इस टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया को 9 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन के पहले ही सत्र में भारत द्वारा दिए गए 76 रनों के लक्ष्य को 9 विकेट रहते ही हासिल कर लिया। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में काफी खराब प्रदर्शन किया, जिसके चलते भारतीय टीम को 9 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से टीम इंडिया के फैंस काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस हार के साथ ही टीम इंडिया के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने का मौका भी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब टीम इंडिया के लिए इस हार के अलावा एक और मायूसी भरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, अगला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाना है। ये टेस्ट मुकाबला इस सीरीज का अंतिम मैच होगा। लेकिन इस सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आ रही है, क्योंकि टीम के फैंस को स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। जी हाँ, ये सही सुना आपने। एक टेस्ट मुकाबला 5 दिन का होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पांचों के पांचों दिन भारतीय क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का लुत्फ स्टेडियम से नहीं उठा पाएंगे, बल्कि सिर्फ डे वन ऐसा होगा जब भारतीय फैंस टिकट लेकर इस मैच को नहीं देख पाएंगे। और इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का चौथा और निर्णायक मुकाबला 9 मार्च से अहमदाबाद में खेला जाएगा। लेकिन इस मुकाबले से पहले फैंस के लिए बुरी खबर ये है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथोनी अल्बनीज विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े स्टेडियम में मैच देखने के लिए तैयार हैं। इस वजह से चौथे टेस्ट के पहले दिन के खेल की कुछ टिकट लॉक कर दी गई हैं और अब भारतीय फैंस को स्टेडियम में मैच देखने की इजाज़त नहीं है। डे टू से भारतीय फैंस इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह आता है कि क्या डे 3 के अंतिम तक ये मैच चलने वाला है, क्योंकि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीनों टेस्ट मुकाबले तीसरे दिन तक आते आते समाप्त हो गए। चलिए अब जानते हैं कि इस टेस्ट मैच की टिकट क्या रहने वाली है। आपको बता दें कि इस मुकाबले की टिकट 200, 300, 500, 1000 और 2000 तक की हैं। ये सभी टिकट स्टैंड्स में लगी सीटों के हिसाब से बांटी गई है। अगर आप भी मैच देखना चाहते हैं स्टेडियम से, तो आप स्टेडियम की खिड़की पर जाकर इस टिकट को ले सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं, तो आप बुक माई शो पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें।